हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए 10 का पावर 20 अपॉन 20 का पावर 10, जिसमें देखिए ना आपका आधार समान है ना आपकी घाते समान है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो किस तरह से साल किए जाएंगे, ये मैथ ओलंपियाड में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 10 का पावर 20 है, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप 10 का पावर 20 लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर 20 का पावर कितना है, 10 है, तो 20 को आप क्या लिख सकते हो, 20 को आप 2 × कितना लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, यानी 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 की जहाँ पर हमने 2 × 10 लिखा है, अब 20 का पावर 10 है तो इस पूरे का पावर हम क्या 10 इस तरह से लिख सकते हैं। जिसको भी ना पता हो सीख लीजिएगा और दिमाग में याद रख लीजिएगा, अगर कोई भी चीज़ इस तरह से लिखा है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आती है घातांकों का नियम। जितने भी बच्चों को घातांकों का नियम याद है वो ऐसे प्रश्न को आराम से समझ सकते हैं, जिनको नहीं याद है उनको मैं बताता हुआ चलूँगा। अब यहाँ पर 10 का पावर 20 था, अब इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें 1 × 10 का पावर 20 तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे उसका मान इतना ही रहेगा। जैसे 1 × 10 करेंगे तो कितना रहेगा, 10 का पावर 20 ही रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है बटे का चिन्ह लगाने का। 2 × 10 का पावर कितना है, 10 है, यानी इस पूरे का पावर 10 है, तो 2 का भी पावर 10 है, 10 का भी पावर 10 है, तो इसे हम लिखेंगे 2 का पावर 10 × क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए घातांक का नियम आपको याद होना चाहिए। जैसे 10 का पावर 20 अपॉन 10 का पावर 10 है, इसका अपान का मतलब यानी बटे का मतलब भाग होता है। जैसे 10 का पावर 20 भागे कितना है, 10 का पावर 10 लिखा हुआ है। तो घातांक का नियम क्या कहता है, अगर a का पावर m भागे a का पावर कितना n है, यानी आधार क्या है, समान है, तो भाग करने पे घातें घटती हैं, तो कितना हो जाएगा, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, लेकिन इसका घात यानी पावर 20 है, इसका पावर कितना है, 10 है। तो इसे जब आप सॉल्व करने जाओगे तो 2 का पावर 10 लिख लेना, कितना हो जाएगा, 1/2 का पावर 10 लिख लेना। इसके बाद 10 का पावर 20 / 10 का पावर कितना है, 10 है, इसे अलग से सॉल्व करके बताता हूँ तब समझ में आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 20 / यानी बटे का मतलब क्या होता है, भाग का चिन्ह, 10 का पावर 10 है, तो इसे आप 10 का पावर 10 लिख सकते हो। आधार देखिए क्या है, 10 है, यानी समान है, तो भाग करने पे घातें घट जाएंगी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 का पावर 20 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 10 आएगा। यानी इन सभी की जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 10 लिख सकते हैं। तो इनटू का चिन्ह बनाकर हम क्या लिख लेंगे, 10 का पावर 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 10 का पावर 10 है, अगर आप 1 का गुणा इनके साथ करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह 10 का पावर 10 ही रहेगा। नीचे देखिए, अब नीचे बटे कितना है, 2 का पावर 10 है, इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 10। यहाँ पर देखिए फिर से वही कंडीशन आ गया है, आधार क्या है यहाँ पे, असमान है, लेकिन अब आपकी घातें क्या है, समान है, तो इस चीज़ को बटे में है तो आप भाग में किस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। जैसे देखिए 10 का पावर 10 भागे आप लिख सकते हो 2 का पावर कितना, 10 लिख सकते हो। इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 10 भागे कितना, आप इस तरह से 2 लिख सकते हो, और इसका पावर 10 है, इसका भी पावर 10 है, तो पूरे का पावर आप इस तरह से 10 लिख सकते हो। बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप 10 में 2 से भाग दोगे तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 आएगा, अब 5 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।